Hey everyone, this is me, वासित अली। जैसा कि आप मुझे नहीं जानते होंगे तो जानने के लिए सबसे पहले ये इंट्रो देखें। काफ़ी टाइम से मैं सोशल मीडिया में हूँ, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक। क्वेटा का ट्रिप आ रहा है तो सोचा क्यों ना हम व्लॉग स्टार्ट करें। तो ट्रैवलिंग व्लॉग स्टार्ट करते जा रहे हैं और मेरा फर्स्ट व्लॉग होगा ये कराची टू ज़ियारत का। तो हैव अ लुक। हमारी गाड़ी 12 बजे कराची से क्वेटा के लिए रवाना हुई। चूँकि रास्ते में काफ़ी अंधेरा था, ब्यूटी हम नहीं देख पा रहे थे, हम सब ने इरादा किया कि हम ये सफ़र सोकर गुजारते हैं। और जैसे ही सुबह के 6 बजते हैं और रोशनी होना शुरू होती है तो जो हमें मनाजिर नज़र आते हैं वो आप भी देखें। पता नहीं कौन सी जगह है ये, थोड़ी देर बाद हम खुजदार पहुंच जाएंगे। और ये व्यू है और मुंह से आप देख रहे होंगे धुएं निकल रहे हैं, ये देखें। हाय 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 हाय, ये सिगरेट पी रही है, ये धुएं निकालो। इतनी खुशी है मुझे। और ये भी इनके मुंह से भी धुएं निकल रहे हैं। आपके मुंह से भी धुएं निकल रहे हैं, निकाले सिर्फ मैं धुएं निकाल सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत धुएं निकालता हूँ। Wait a minute. और अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर ये नाश्ता करने। और मेरे साथ ये भुक्कड़ पूरे रास्ते में खाती भी आई है, जिसको मजीद खाना है। ये आप देख सकते हैं पूरे रास्ते में खाती है। अल्लाह इतना झूठ, पूरे रास्ते में खाती है फिर भी इनको भूख लग रही है। और तुम ही खाते आए हो, हर किसी का लंच खा गए थे। ये पिछले 8 घंटों से हेडफोन लगा के बैठी हुई है मगर फिर भी ये हेडफोन नहीं है, एयरमफ्स है। एयरमफ्स है क्या है? एयरमफ्स। अच्छा, व्लॉग तो ये भी बनाएगी मगर इसको सब्सक्राइब नहीं करिएगा, मुझे करिएगा, मेरा पहला व्लॉग है। इस वक्त हम यहाँ पे नाश्ता करने के लिए बैठे हैं, बहुत मुश्किल से जगह मिली है। और हमने इस वक्त बड़ी कंफ्यूज है क्योंकि सामने जो है दो पठान इसको देख रहे हैं, मतलब इनके लिए तो अजूबा ही है ना, मतलब। और ये गुफरान है, ये भी बहुत परेशान है क्योंकि इसको भी पठान देख रहे हैं। कराची से क्वेटा तक का सफ़र अगर आप स्टे करते हुए जाएं तो तकरीबन 12 घंटे का सफ़र है। लंच के लिए जब आप रुकते हैं और आप को ऐसे बादल नज़र आते हैं और ऐसे बादल के साथ ये व्यू जब आपको नज़र आता है तो इसकी बात ही अलग है। ये पहाड़ और ये बादल मुझे गिलगित की याद दिला रहे हैं। और गिलगित के बाद में सेकंड टाइम ये देख रहा हूँ कि ऐसे पहाड़ गिलगित के बाद कहीं पर मुझे नज़र आए, और वो है क्वेटा। सो हैव अ लुक। बहुत इंतज़ार के बाद आखिरकार हमें क्वेटा का टनल नज़र आ गया। सफ़र इतना तवील था कि लोगों की नींदें ही पूरी नहीं हुई और लोग गाड़ी में सोते हुए गए।